इस दिवाली पे आपको पंपर दिवाली वाला फील आएगा बिकॉज शिवाय जी पढ़े पढ़ अच्छा टिश्यू पेपर है ये तो मैंने नहीं किया इधर ही छुपा देते हैं अच्छा है आशीर्वाद से शुरू किया है शो तो आज रौनक लगने वाली है पिछली बार काजल मैम अकेली आई थी इतनी रौनक लगी थी आज देखो होता है क्या क्या सर एक बात बताइए पहले तो आप विराजमान हो जाइए सर मैं पूछता हूँ सर शिवाय में इतना भर भर के एक्शन है जैसी आपकी लुक है आप तो आंखों से मार देते हो सामने वाले को इतना एक्शन करने की क्या जरूरत थी सर चोट वोट लग जाती तो दो चार बार लगी भी थी अच्छा लेकिन हर बार आंखों से नहीं मार सकते ना अलग तरीके से मार रहे हैं इस बार हाथ पैर से नहीं डिपेंड करता सामने बंदा कौन है आंख वाला है हाथ वाला है लात वाला है पूछ रहा है आप किस तरह के हो नहीं मैं बिल्कुल नहीं मैं कोई ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ शिवाय जब आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पे शूट की गई है आम आदमी जब दिल्ली से पानीपत भी जाए ना तो पूरी फैमिली पीछे बैठा हमें भी जाना है आप ने जिद नहीं की कि हमें भी लेके जाओ इतनी खूबसूरत जगह पे जा रहे हो बिल्कुल हमने जिद की कि हम भी आना चाहते हैं कि इतनी अच्छी जगह है ओ गॉड स्नो होगा ठंड होगी ये होगा वो होगा मेरे को कैटेगोरिकली बोल दिया यू आर नॉट कमिंग फॉर द शूट फॉरगेट इट यू विल कम इन द एंड आफ्टर मेरी शूटिंग खत्म हो जाएगी तभी आना उससे पहले मत आना लोकेशंस ऐसी थी ठंड इतनी थी वहां पे बहुत मुश्किल था वहां पे शूट करना ये आते होटल में बैठे रहते तो आपने ये सोचा कि काजोल को ठंड ना लगे वहां पे इतनी ठंडी है वहां पे तो दूसरों की लड़कियों के साथ जो रोमांस कर रहे हैं उनको ठंड का कोई नहीं मतलब बात काजोल की नहीं है जी बात मेरे बच्चों को ठंड ना लगे वेरी डिप्लोमेटिक आंसर जोरदार तालियां अजय सर का ऐसा कहना कि इन्हें हाइट से डर लगता है लेकिन अगर आप शिवाय देखें इसमें कोई एक सीन नहीं जमीन पे नजर ही नहीं आ रहे कभी पहाड़ से लटक रहे हैं कभी डैम पे लटक रहे हैं गाड़ी के बीच में जमीन पे हैं भी तो उसमें भी भाग रहे हैं तो सर आपको इतना हाइट से डर लगता है फिर आपने सारे ही ऐसे पंगे क्यों लिए मतलब कैसे कर लेते हैं आप मैं हाइट से डरता हूं लेकिन डरने से नहीं डरता तो कोशिश हमेशा यही रहती है जिस चीज से डर लगता है वही कोशिश करो वेरी नाइस आपको किस चीज से डर लगता है मुझे 1990 में मुझे ओ, मैंने कुछ कहा बाजी अच्छा अच्छा बाजी मैंने आपका कल एक और मैच देखा चुप उसमें आपने 201 बनाई थी जोरदार तालियां अच्छा डरने की बात चल रही है तो एक ऐसे कहावतें हैं दुनिया में कहते हैं कि आदमी अपने माँ बाप से डरे ना डरे टीचर से डरे ना डरे बीवी से जरूर डरता है सर आपकी विशेष टिप्पणी इसके ऊपर फिल्म में तो आप बंदों को उड़ाते हैं हाथ पैर एक थप्पड़ से 12-12 लोग घर पे व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन आपकी शादी हो गई नहीं अभी हुई नहीं है सर इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ तो आपको तो डर का मतलब ही नहीं पता होगा लेकिन इस बार जो इन्होंने स्टंट किया बाजी वो मतलब बिल्कुल हटकी है एक तू स्टंट कर रहा है लवी डवी कर रहा है क्या कर रहा है तू है? नहीं एक मतलब अजय भाई ने पहली बार ऐसा स्टंट किया है ऐसा हाँ जी तो सर ये फिल्म में था कि आपने ये सोचा कि यार बाकी डायरेक्टर्स तो डालते नहीं मैं खुद ही डायरेक्टर हूं तो मैं ऐसा डाल लेता हूं ओके आई थिंक अब ये आंखों से जवाब दे रहे हैं जवाब चाहिए नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए सर नहीं जवाब चाहिए मैं काजल मैम आपसे पूछता हूँ आप इनकी वाइफ होने के साथ साथ को प्रोड्यूसर भी हैं जी इन्होंने रिटर्न में परमिशन ली थी कि नहीं मैं अभी आया नहीं नहीं अभी कहाँ जा रहे इन्होंने
इन्होंने बताया था आपको कि ऐसा कुछ सीन है या? बिल्कुल नहीं बताया. नहीं, बाद में बताया. मेरी परमिशन लेने से पहले माफी मांग लिया. मैंने कर लिया, अभी माफी मांगता हूँ. अच्छा, नॉर्मली सर कोई भी एक्टर जब कोई सीन करता है तो पीछे डायरेक्टर कट बोलता है. तो जब ये स्टंट हो रहा था आप तो बिजी थे. मैं दिखाऊंगा. कट किसने बोला? पूरी पिक्चर में पता कट कैसे बोला. इसमें बड़ा ऑकवर्ड था. इसमें भी करते करते मेरा हमेशा कट कैसे होता था कि अगर मैं सीन भी कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, सिर्फ एक उंगली आती थी. पूरी पिक्चर में उस लोगों ने कलेक्ट करके रखा हुआ मेरी पूरी टीम. अच्छा, ने तो इस वाले सीन में भी कट आपने बोला था कि मैम ने फोन किया था, बस करो हो गया कट चलो. बड़ा शरारती बंदा है यार तू. कौन मैं? ये है ना पाजी, आपको पता है सिद्धा? बिल्कुल पाजी, मैं बोल देता हूँ इसलिए पकड़ा जाता हूँ. नहीं तो आपको पता है बर्थडे सेम ही हमारा, 2 अप्रैल 2 अप्रैल. हाँ जी हाँ. तो आप ज्यादा सीधे भी ना समझे उनको, या मेरे को ज्यादा शरारती ना समझे आप. सीधा होना भी नहीं, जंगल में जाके देख, सीधे पेड़ कट जाते हैं, टेढ़े खड़े रहते हैं. अरे वाह. काजोल मैम का कहना है कि अजय सर इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन अवर इंडस्ट्री. फिर अंग्रेजी बोलिए. पकड़ा गया. हिंदी बोल. थोड़ा ऐसी बढ़ाए. मेरी एक लाइन अंग्रेजी की आई थी, मेरा पसीना आ जाता है. पसीना आ रहा है. तो एक बात बताइए काजल मैम, अगर आपको अजय सर इतने अच्छे डायरेक्टर लगते हैं तो यू मी और हम के बाद आपने कभी दोबारा इनके साथ काम क्यों नहीं किया? भाड़ में क्या यार ये. आमोश. ये ठीक है, पता नहीं चल रहा सलवार कौन सी, ये कौन सा है. तो बड़ा प्रॉब्लम आती है सर मेरे को ना हैंडल करने में. ये सलवार का कपड़ा बच गया था, दे दिया. एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की उनके साथ काम करने की. अच्छा. लेकिन उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली बोल दिया कि शिवाय में तुम्हारे लिए रोल नहीं है. अच्छा. तो मुझे कैटेगोरी, मुझे पासिंग भी नहीं दी. मैंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे खड़ा कर लो कहीं पे, बस पासिंग शॉट ले लो. ही सेड नो, आई एम सॉरी, नहीं कर सकता. तो उन्होंने मतलब कैटेगोरिकली मेरे साथ काम करने के लिए मना कर दिया. ऐसे क्यों लगता है सर आपको? वो सीन था ना इसलिए. तू घर आ. अजय सर ने और काजल मैम ने एक साथ में फिल्म की थी इश्क. उसमें एक सीन में अजय सर काजल मैम को देखते हैं और देखते देखते इनको पता ही नहीं चलता कि कब ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में लगे हुए पाइप पे चलने लगते हैं. अच्छा. हाँ, रियल लाइफ में भी कभी इन्होंने ऐसी कोई ऊटपटांग हरकत की? आप पाइप पे नहीं चढ़े. गाड़ियों को बहुत शौक है जी, स्पीड का बहुत शौक है. तो गाड़ी भगाते थे बहुत बहुत, मतलब स्पीड से चलाते थे बहुत. तो उसके बाद मैंने चलाना शुरू कर दिया तो उन्होंने बंद कर दिया. मतलब आप और ज्यादा रैश चलाती हैं या? नहीं नहीं. अच्छा. थी ये थी. बिना देखे चलाती. कोई राइट से आए कोई लेफ्ट से आए उसका प्रॉब्लम है, वो आ रहा है. गलती आपने सीधे और की होती है ना. अच्छा, आप दोनों के करोड़ों फैंस हैं, तो घर में आपके बच्चों के भी आप फेवरेट हैं कि उनके कोई फेवरेट एक्टर अलग हैं? मेरी बेटी के सामने अगर किसी सभी का नहीं बट किसी का बाय चांस नाम ले लो तो बोलती है पॉप हू जी. अच्छा. और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही स्टार है दुनिया में, दैट इज अजय देवगन. क्या बात है, होना भी चाहिए सर. बहुत स्वीट. आई थिंक हर बेटी हर के आंखों में बिल्कुल सर एक ही स्टार होता है. बिल्कुल. जब तक वो बड़ी हो जाए फिर दूसरा एक स्टार उसकी लाइफ में आता है. यार मैं कितना पागल हूँ, मैं आप कितनी देर से आए, मैंने चाय भी नहीं पूछी आपको. आज तक कौन सी पूछी. चाय पानी से मुझे याद आया, मैं बाथरूम जाके आता हूँ. बाथरूम? हाँ जी सर. कहाँ से? आप यहाँ से अंदर जाएंगे ना, आप वाइट डोर से अंदर जाएंगे. आगे मैं ढूंढ लूँगा. अच्छा मैम एक बात बताइए जी, अभी तो अजय सर है नहीं, सही सी बताना, जब ये किसिंग सीन हुआ था आपको जेलसी नहीं हुई थी देख के टीवी? तुमको पता ही नहीं था तो. जब देखा तब सिंगम की मुंडी मरोड़ी की नहीं. वो दिलवाले में गन थी ना, वो निकल आई थी. फिर
तो बहुत क्यूट है ना काजल मैम. मेरा बड़ा दिल कर रहा था तारीफ करूं, मेरे बगल में बिठा दिया आपने. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.